हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एट क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 14.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा चौथा। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। कुछ हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं का ही हमें गुणनखंड करना है, किसी और का नहीं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट जो है उसमें लिखा है ए की घात 4 और बी की घात 4। अगर आपने सर्व समकाएं अभी तक नहीं याद की हैं तो आपको भाई समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है समझने हैं तो आपको सर्व समकाएं जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान से रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने सर्व समकाएं जो है घात में 4 वाली तो कोई नहीं पढ़ी है, फिर भी हम जानते हैं जब किसी की घात 4 होती है तो हम उस चीज़ को घात 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोशिश करते हैं इस तरीके से, ये मान लो यहाँ पे ए की घात 4 है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं ए की घात 2 की घात 2, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ है कि 2 × 4 गुणा में, मतलब घाते जो है वो गुणा हो जाती है। अगर आपने हमारी लाइव क्लास देखी है तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये सब। अगर आपने लाइव क्लास जिसमें हमने आपको ये सब कवर करा दिया है, ठीक है, तो बढ़िया है, लाइव क्लास देखा करो। वहाँ आपको बेसिक चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो भाई क्या बोले अब, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके हम यहाँ पे सर्व समका का यूज करने वाले हैं। तो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ए की घात 4। तो ए की घात 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की घात 2 की घात 2, ठीक है। यहाँ पे बी की घात 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, बी की घात 2 की घात 2। अब हमने इसको एक सर्व समका के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी कौन सी सर्व समका ऐसी है जो इस तरीके से दिखती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से हमारी दिखने वाली सर्व समका है। चाहे तो ए बी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप सर्व समका को इस फॉर्म में भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारी सर्व समका जो है इसकी तरह लग रही है। तो यहाँ पे हम इसी सर्व समका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, यहाँ पे भी बीच में माइनस है, इसीलिए ये सर्व समका लगी है। अगर आपको सर्व समका याद नहीं होंगे तो आपको दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन लगेगा कैसे। तो सर्व समका का याद होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो भाई चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम यहाँ पर देखते हैं एक्स जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पर यहाँ पे ए का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे वाई की जगह पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, मतलब एक्स का मान ए स्क्वायर है, वाई का मान बी स्क्वायर है, ठीक है। इसी चीज़ को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी चीज़ को तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, या कह लो बी स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है, वाई के बराबर है। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये लिखा है। तो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, और वाई की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, क्या है, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर एक्स माइनस वाई, एक्स का मान है ए स्क्वायर, बी का मान है वाई का मान है बी स्क्वायर, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो आया है अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम इसको तो सॉल्व करके नहीं लिख सकते, पर इस ये जो है हमने सर्व समका पढ़ी हुई है। कौन सी सर्व समका, यही वाली सर्व समका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज़ को हम वैसा का वैसा उतार देंगे पर इसको हम सर्व समका के रूप में लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, इस तरीके से लिख देंगे। ये जो आया है ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, क्या हो गया है, आंसर हो गया है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो भाई दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, पी की घात 4 माइनस का 81। अब यहाँ पे भी घात 4 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है जब आप पढ़ रहे हो मुझसे, ठीक है। पी की घात 4 को क्या लिखेंगे, पी की घात 2 की घात 2। 81 का मतलब क्या हुआ, आपको नहीं पता है तो आप लसा निकाल लीजिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास में आया करो, ठीक है। 81 देखो क्या करेंगे,
तीन दूनी छः और हमारा पचा दो, तीन सत इक्कीस, तीन नेमा सत्ताईस, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन। तो तीन कितनी बार आया है? चार बार आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तीन की घात चार। अब तीन की घात चार हमने तो लिख लिया, अब हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? तीन की घात चार को यहाँ पे लिख लेते हैं, पी की घात दो की घात दो। तीन की घात चार को हम लिख सकते हैं तीन की घात दो की घात दो। ये हमारे सेम टू सेम हो गए। अब हमारी सबसंख्या कौन सी लगने वाली है? यही वाली सबसंख्या लगने वाली है, क्योंकि इसी फॉर्म में ये दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी से। ये वाली सर्वसंख्या जो है वो हम क्या करेंगे? लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या है? ए जो है वो हमारा पी स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारा बी जो है वो किसके बराबर है? वो हमारे तीन के स्क्वायर के बराबर है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब हम यही जो वैल्यू जो है यहाँ पे मान रख देंगे, ए और बी का मान जो है यहाँ पे हम रख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? यही तो थी हमारी, ठीक है। तो बराबर लिख देते हैं, और इस चीज़ को करना चाहो तो आप अलग से ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये कहाँ से आया, क्योंकि ये हमारी एक सर्वसमिका है, ठीक है। आपकी मर्जी, ऐसा कर दो, नहीं करते हो तो भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस बी था तो ए की वैल्यू है पी स्क्वायर, और बी की वैल्यू है तीन का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारा है ए माइनस बी है, ठीक है। ए की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है माइनस का तीन का स्क्वायर। अब इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, पर ये बड़े लेवल पे हो जाएगा आपके, मतलब सॉल्व करने के लिए अभी आपको बोला नहीं गया, आपके कोर्स में है नहीं, तो मैं यहाँ पर बता भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी हमारी एक सर्वसमिका है, यह कौन सी सर्वसमिका? यही वाली सर्वसमिका है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा पी प्लस थ्री इंटू में पी माइनस थ्री, ठीक है। ये जो आया है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट जो है हमने इसके सॉल्व कर दिए हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कराएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। तो भाई इसको क्या करते हैं भाई, रफ कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ देते जाते हैं भाई। हमारा एक और चैनल है, एक क्या हमारे दो और चैनल हैं, ठीक है। एक चैनल है जोजोस स्टडी 2.0, उस पर आपके अदर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अभी अभी शुरू किया है हमने, क्योंकि आप लोग कह रहे थे मैम अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाइए, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाइए, तो इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया है जिस पर आपके अदर सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। साथ ही हमारा एक साइंस वाला चैनल है जिस पे आपकी साइंस पढ़ाई जाती है। हमारा ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, फ्री बुक्स नोट्स वगैरह ये सब आपको वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है। टक की क्लासेस भी हमारी वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्स की घात चार माइनस वाई प्लस जेड की घात चार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं घबराना है भाई? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ये देखकर आप घबरा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये घबराहट तो आपकी चली गई होगी, क्योंकि घात चार को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपने देख लिया। एक्स की घात चार को कैसे लिखेंगे? एक्स की घात दो की घात दो माइनस लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वाई प्लस जेड लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी घात क्या करेंगे? दो लगाएंगे, और यहाँ पर इसकी भी घात हमारी क्या लग जाएगी? दो लग जाएगी, क्योंकि घात जो थी वो हमारी क्या थी? चार थी। अब हम क्या करेंगे? हम वही हमारा सर्वसमिका लग जाएगी, यही वाली सर्वसमिका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो हमारी सर्वसमिका यहाँ पे लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड जो है थोड़ी फास्ट है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा, अगली नेक्स्ट क्लासेज में अपनी स्पीड को हम थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी से, ठीक है। ये सर्वसमिका जो है हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ए की बात करते हैं, तो ए जो है ए की जगह पे लिखा है हमारा एक्स स्क्वायर। बी की बात करते हैं, तो बी की जगह पे हमारा लिखा है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज जो है वो रख देते हैं। वैल्यूज जो हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा ए प्लस बी लिखा है, ए की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी। बी की जगह पे हमारा क्या लिखा है? वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, चाहे तो मझला लगा दीजिए, चाहे तो बड़ा लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट जो है वो लगा दिया है। ये हो गया ए स्क्वायर
ठीक है, ए प्लस बी था तो हमारा ए प्लस बी हो गया। ऐसे ही हमें लिखना है ए माइनस बी, ए की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है वाई माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस चीज़ को थोड़ा हटा देते हैं, नहीं तो आप मिक्स ना कर दो। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे नोट कर रहे हो बेटे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके का होल स्क्वायर में आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर तो लिख ही देंगे, ठीक है, साथ में इसका फॉर्मूला जो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन होके फॉर्मूला। अब हम इसको करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो हम लिख ही देंगे, अब इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्लस था, ठीक है, अब प्लस से सबकी गुणा होगी तो हमारे चिन्ह नहीं चेंज होंगे, पर यहाँ पे माइनस है, ये बात ध्यान रखना, नोटिस करने वाली बात है, गड़बड़ बिल्कुल मत करना। देखो यहाँ पे माइनस लगा है तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है, नहीं ब्रैकेट लगाना है तो आपको माइनस की गुणा करते हुए चलना है। फिलहाल ब्रैकेट लगा देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलती होने का कोई भी चांस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइन प्लस का टू वाई जेड, तो हमने यहाँ पे ये चीज लिख दी और ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम यार यहाँ पे क्या होगी, माइनस की गुणा होगी तो सबके चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो जोड़ा जा सके, तो हम यहीं पे ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड और वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, चाहे तो छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए चाहे तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो है एक्स स्क्वायर और माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस की यहाँ पे गुणा होगी हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस का टू वाई जेड जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये जो आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। ये इस तरीके से हम फॉर्मूला ओपन करके जब करेंगे तो हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। ये भी आंसर आपका गलत नहीं है, हो सकता है कि आपकी बुक में कुछ अलग ही आंसर दिया हो, तो हमारा दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर हो सकता है कि क्या करेंगे, यहाँ के बाद हमारी स्टेप्स जो है वो अलग हो जाएंगी, मतलब यहाँ के बाद जो है स्टेप्स अलग हो जाएंगी, इस तरीके से करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं माना जाएगा, ये भी आंसर होगा, इसका कुछ और भी आंसर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के बाद हमारी क्या स्टेप्स हो सकती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कर दिया, इसके बाद हमने इसको हम ऐसे ही रखते हैं, हम फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, पर हमें अगर यही सिर्फ सरसंख्या लगानी है तो क्या करेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारी यही वापस से सरसंख्या लगा सकते हैं जैसे कि बाकी के क्वेश्चंस में कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कुछ अलग आएगा। आपके बुक में ये आंसर दिया हो तो ये रखिए, जो कराने जा रहे हैं वो आंसर दिया हो तो वो रखिए। तो चलिए भाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, और ये है हमारा वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एक्स तो हम पहले तो चलो यही उतार ही लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो इसके हिसाब से हमारा ए जो है वो क्या है, एक्स है, और बी जो है वो हमारा क्या है, वाई प्लस जेड है इसके हिसाब से। ठीक है, अब हम यही वाली सरसंख्या जो है वो लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है तो ये हमारा का वैसा ही रहेगा। चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करके इतना भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है, और बुक में जिस तरीके से आंसर दिया है तो आप उस तरीके से देख लेना। ठीक है, अब क्या करना है, हम ये सरसंख्या लगा देनी है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए क्या है, ये हमारा एक्स प्लस बी, बी क्या है हमारा वाई प्लस जेड। ठीक है, एक तो ये हो गया और इनटू में ए माइनस बी होता है, तो ए क्या है हमारा एक्स है माइनस का बी, मतलब क्या है, ये हमारा वाई प्लस जेड।
ठीक है, ये हो जाएगा। हमने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, इसमें प्लस था तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और हम इसको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, सॉल्व कुछ होना ही नहीं, यही लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगला ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x माइनस ओ प्लस के गुणा माइनस का y, फिर माइनस ओ प्लस के गुणा माइनस का z। इस तरीके से हमारा आंसर आपकी बुक में अगर ये दे रहा हो तो ये हो जाएगा, ये दे रहा हो तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के लास्ट टू पार्ट जो हैं वो हमारे ये हैं। पहला जो क्वेश्चन मतलब चौथा जो पार्ट है वो हमारा है x की घात 4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल 4, ठीक है, होल 4 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको हम घातों में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता हुआ है, ठीक है, बता दिया है पहले ही। x की घात 2 की घात 2 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, x माइनस जेड लिख देंगे, इसकी घात 2 लगा देंगे, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के हम क्या कर देंगे, घात 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम भाई अपनी सरसंख्या लगा देंगे, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसंख्या जो है वो लगा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ए स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर भी मिल रहा है, इसलिए हमारी यही सरसंख्या लग जाएगी, क्या, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये सरसंख्या लग गई। अब हम यहाँ पे ये लिख देते हैं से, और इस चीज़ को चाहे तो ब्रैकेट में कर दूँ, और ए की वैल्यू देखते हैं तो ए की वैल्यू हमको दिखती है एक्स स्क्वायर, जब हम बी की वैल्यू देखते हैं तो बी की वैल्यू जो है वो हमको दिखती है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमें को दो मिलती है, अब उनकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा क्या लिखा है फॉर्मूले में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो बी की वैल्यू जो है वो है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट, तो इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर हमारा है ए माइनस बी, तो ए जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे, बी की वैल्यू जो है वो है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये तो हम चाहे तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, चाहे तो इस चीज़ को हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ये हमारा वापस से यही सरसंख्या बना रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो हमारा बना रहा है। वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या हो सकती है, एक्स माइनस जेड, तो हम यहाँ पे वापस से यही सरसंख्या जो है वो लगा देंगे। क्या हो जाएगा, हम इसके अगर ए बी की वैल्यू रखना चाहते हैं तो ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह पे एक्स लिखा है, बी की वैल्यू रखना चाहते हैं तो बी की जगह पे हमारा एक्स माइनस जेड लिखा हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, वरना आपको तो पता ही है कैसे लगना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स ए प्लस बी है ना, तो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अगला जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी होता है ना फॉर्मूले में, a माइनस बी, तो a की वैल्यू जो है वो x है, माइनस लगा देंगे, b की वैल्यू क्या है x माइनस जेड, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। चाहे तो यहीं पे ही इस ब्रैकेट को खोल लो, चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में खोल लो, आपकी मर्जी है, मैं यहीं पर खोले दे रही हूँ, ठीक है। एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी सरसंख्या लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, वही सरसंख्या यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, प्लस लगा देंगे, प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का 2xz, ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर दिया, माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ये गलती बहुत लोग करते हो, आप लोग भूल जाते हो किसमें प्लस लगना है किसमें माइनस लगना है, पर सरसंख्या आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो कितने x हो गए, 2x हो गए, और माइनस जेड जो है अकेला है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे जब देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो है इस चीज़ को हम यहाँ पे ही, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इस चीज़ को चलो अगली यही स्टेप लिख देते हैं, क्यों आप परेशान होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। x लिखा माइनस और प्लस की गुणा हुई तो माइनस का x हो गया, फिर माइनस और माइनस की गुणा हुई तो प्लस का z हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट गए तो हमारा खाली z बचा है, तो उस z को हम क्या करेंगे, पहले ले आते हैं, ये हमारे दो टर्म्स का ब्रैकेट है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, 2x माइनस z लिख लिया। फिर हमारा अगला ब्रैकेट ये है तो इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे दो हैं, ठीक है, तो हमारे टू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, टू एक्स स्क्वायर, ओहो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, फिर माइनस का टू जेड एक्स कर लो, चाहे एक्स जेड कर लो, बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर कराएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो नोट कर लीजिए, मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ठीक है, पांचवा पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमको क्या है, घात चार में दिया गया है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, ए की घात दो की घात दो, यहाँ पे हमारा टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया है, इसको हम नोट कर लेते हैं ऐसे ही, और प्लस का हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, बी की घात चार, मतलब बी की घात दो की घात दो। अब ये हमको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अगर आपको सभी समीकरण जो हैं वो याद होंगी तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे कौन सी सर्वसमीकरण लगने वाली है। तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीकरण आपको दिखने से लग रही है, मतलब आपकी कौन सी सर्वसमीकरण लगने वाली है, तुम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का b स्क्वायर, ये जो है हमारी सर्वसमीकरण यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है, लगने वाली है। तो a की वैल्यू जो है हमको यहाँ पे क्या दिख रही है, तो a की जगह पर हमारा जैसे ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे हो a में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके लिए ही बता रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, x माइनस वाई कर सकते हो, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स वाई, और यहाँ पे आप वाई स्क्वायर कर सकते हो। अब तो आप नहीं कन्फ्यूज हो गए ना, तो हम यहाँ पे अब x की जगह पे क्या दिख रहा है, तो x की जगह पे हमको a दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, और y की जगह पे हमको क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है b का स्क्वायर, ठीक है, ये हमको दिख रहा है ना। अब हम क्या कर देंगे भाई, इस फॉर्मूले के रूप में तो हमारा लिखा ही हुआ है, तो अब हमें इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना होगा, फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके रूप में, तो कैसे करेंगे, यही तो हमारे गुणनखंड के रूप में हो जाएंगे, ये तो हमारा एक्सपेंड रूप हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हमारा क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस तो माइनस हो गया, वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया है, पर इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा था, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर जो है चढ़ा दिया। हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारी ये वही वाली सर्वसमीकरण लग जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली सर्वसमीकरण लग जाएगी, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है ना, और ये जो हमने लिखा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए लिखा है, अभी हमें ब्रैकेट के बाहर जो होल स्क्वायर लगा है वो हमको लगाना पड़ेगा। तो इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो स्क्वायर है इसका भी है, इसका भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के लिए है ये, तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सारे पार्ट जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टच कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है क्लास के मिलते रहेंगे। साथ ही हमारा एक जोजस स्टडी 2.0 चैनल है, उस पर आपके सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस वाले चैनल पर साइंस पढ़ाई जा रही है, ब्लॉग को भी देखते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही आपको बता दें हमारा एक ऐप है जोजस स्टडी के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ सारी लिंक्स जो हैं मिल जाएंगी, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, सारी बुक्स, सभी सब्जेक्ट की, सभी क्लासेस के लिए, साथ ही आपको ट्रिकी क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको सब कुछ फ्री में दिए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर डाउनलोड करिए, और 5 स्टार की रेटिंग देना मत भूलिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।